देखिए वीडियो तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे लाते रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर आपको भी अपना सपोर्ट दिखाना होगा। तो बिना देरी किए चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी शुरू होती है एक हॉन्टेड हाउस से, जहां पर लोगों को डमी गोस्ट से डराने की कोशिश की जाती है, जो किसी एक फेस्ट यानी फेस्टिवल का हिस्सा है। और लोग यहाँ पर आते हैं और अपने अंदर छुपे हुए डर को भगाते हैं। इसी हॉन्टेड हाउस में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहीं अकेले घूम रही है, जहाँ उसे बहुत सारे डमी भूत नजर आते हैं। तभी देखते हैं कि उस स्ट्रेंज लड़की के पास एक चलता फिरता गोस्ट आता है। अब वो लड़की सोचती है कि यह भी एक हॉन्टेड हाउस का थीम है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी होता है और वो उस लड़की को चाकू मार देता है और उसे वहीं पर खत्म करके वहाँ लटकी हुई डमी के साथ उसे भी लटका देता है। और यह हमें पता चलता है कि वो एक खुन्नी था, ना कि कोई डमी गोस्ट। अब कहानी एक साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं, जिनमें नतालिया, ब्रुक और ट्रेलर जो अच्छे दोस्त हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं और उनके कॉलेज का आज लास्ट दिन है, जिसे वो बहुत एंजॉयफुल जीना चाहते हैं। और वो लोग एक हेलोवीन फेस्ट में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नेडली नाम की लड़की वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि उससे भूतिया जगहों पर बहुत डर लगता है। शायद उसके साथ पहले भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, जिसके बाद उसे ऐसा करने में बहुत डर लगता है। लेकिन उसकी फ्रेंड ब्रुक बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड गेविन भी उस फेस्टिवल में हमारे साथ आ रहा है, जिसके बाद नेडली जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती है। तभी वहाँ कुएन भी आ जाता है, जो फेस्ट के लिए पासेज अरेंज करने गया था। अब शाम होते ही वो सारे लोग उस फेस्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये फेस्ट अभी भी उसी तरह से ही है जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ एक लड़की को किसी मास्क वाले बंदे ने बड़ी बैरी में से मारा था। और टेलर भी उन सभी दोस्तों को बताती है कि पिछले साल इस फेस्टिवल में कई लोगों की जान गई थी, और लोगों का मानना है कि ज्यादातर टीनेज लड़कियों की मौत हुई है। लेकिन सभी इस बात को हंसी मजाक में टाल देते हैं और उस फेस्टिवल के अंदर पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि जो भी लोग उस फेस्टिवल में आए हैं, उन्होंने बहुत ही डरावने मास्क पहन रखे हैं, क्योंकि इस फेस्ट का मकसद लोगों को एक दूसरे को डराना है। इस फेस्ट में अलग अलग लेवल के स्क्री रूम्स हैं, जहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा डराने की कोशिश की जाती है, और अगर लोगों को फिर भी डर नहीं लगता तो वो लोग फेस्ट की सबसे ज्यादा डराने वाली रूम्स में जा सकते हैं, जहां उन्हें फिजिकली बहुत डराया जाता है। अब हम उस मास्क वाले आदमी को भी देखते हैं जो उस फेस्टिवल में आ चुका है और वो अपना पहला शिकार खोज रहा है। अब वो सारे लोग पहले लेवल के रूम में जाते हैं, जहां उन्हें ज्यादा डर नहीं लगता, और जिसके बाद वो सभी लोग सबसे ज्यादा डरावने वाले रूम में जाने का बोलते हैं, लेकिन नेडली उन्हें वहां जाने से मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्क वाले बंदे से एक लड़की की नजर टकरा जाती है और वो उस मास्क वाले से बहुत ही बुरी तरीके से बात करती है, और इस बात से उस मास्क वाले आदमी को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि यही लड़की मेरा पहला शिकार बनेगी। अब हम देखते हैं कि वो नेडली और वो सारे दोस्त उस डरावने रूम में चले जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ही ज्यादा डराया जाता है। लेकिन वो किसी तरह आगे बढ़ते हैं, जहां हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो हमें बाहर दिखाई दी थी, जो किसी से बचकर भाग रही है, और अब वो वहीं पर एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। तभी वहां पर वो मास्क मैन आ जाता है और नेडली उसे बता देती है कि वो लड़की कहां पर छुपी हुई है, क्योंकि नेडली को लगता था कि यह सिर्फ फेस्ट का एक हिस्सा है और उन सभी लोगों को डराने के लिए ऐसा हो रहा है। और वो मास्क वाला आदमी उस लड़की को खींचकर बाहर लाता है और उन सभी लोगों के सामने मारने ही वाला होता है कि वो लड़की उन सब से उसकी जान बचाने के लिए कहती है। लेकिन सभी लोगों को अभी भी यही लग रहा है कि ये सब इस फेस्ट का थीम है, लेकिन ब्रुक और टेलर ये सब देख डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी बीच वो मास्क मैन उस लड़की को चाकू से स्टेप कर खत्म कर देता है। हालांकि इस फेस्ट में किसी भी टाइप के हत्या लाने की मनाही थी, पर वो मास्क मैन एक चाकू चुरा कर ले आया था। अब ये देखकर नेडली डर जाती है और अब वो मास्क मैन नेडली को घूरता है और शायद वो अपना अगला शिकार नेडली को ही बनाना चाहता है, जिसके बाद नेडली वहाँ से भाग जाती है और वो ये सारी घटना अपने दोस्तों को बताती है और कहती है कि वो बंदा सच में लोगों को मारा है। लेकिन उसके सारे दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं और फिर से एंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन नेडली अभी भी डरी हुई है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड गेविन उसे थोड़ा सुरक्षित फील कराने की कोशिश करता है और उसे फेस्ट में घुमाने लगता है, जहाँ वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लेकिन वो सारे ही गेम्स हार जाते हैं। और फिर वो दोनों एक सेपरेट जगह जाते हैं, जहाँ नेडली और उसके बॉयफ्रेंड गेविन के बीच कुछ किसिंग सीन होते हैं और वो दोनों वहाँ पर कुछ फोटोज भी लेते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो मास्क मैन भी आ जाता है और उन दोनों की तरफ चाकू लेकर तेजी से बढ़ रहा था। और इसी बीच नेडली की फ्रेंड ब्रुक और सारे फ्रेंड भी उस मास्क मैन को वहाँ आता देख उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं,
और वो मास्क मैन इसी बीच में उन दोनों की फोटोज लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ब्रुक उसका पीछा करती है और उसका पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है जहाँ उसे बहुत डर लगता है। लेकिन तभी पीछे से क्वेन भी वहाँ आ जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब गेविन जो नेडली के साथ बहुत सारी गेम्स हार चुका था, उसे ऐसा लगता है कि वो नेडली को इम्प्रेस नहीं कर पाया है और वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो कुछ चीप ट्रिक्स का यूज कर गेम्स को जीतेगा और वो बहुत सारे गिफ्ट जीत कर नेडली को गिफ्ट करेगा। लेकिन क्वेन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि किसी भी शॉपकीपर के सामने उसकी कोई भी ट्रिक नहीं चलती और उसे निराश होकर वहाँ से वापस जाना पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि एक अनजान आदमी एक रूम में बहुत सारे गिफ्ट लेकर जा रहा है और उसे लगता है कि उसे भी शायद वहाँ नेडली को इम्प्रेस करने के लिए कुछ गिफ्ट मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर वो भी रूम में चला जाता है जहाँ उसे गिफ्ट तो नहीं मिलते हैं लेकिन वो मास्क मैन जरूर मिल जाता है जो उसी का ही पीछा कर रहा था। और गेविन को वहाँ देख वो मास्क मैन उस पर जोरदार हमला करता है जिससे गेविन वहीं पर गिर जाता है और वो मास्क मैन वहीं पास में रखे एक हथौड़े से गेविन को बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी गेविन का मोबाइल बजता है जिसमें नेडली का मैसेज आया था, जिसके बाद मास्क मैन गेविन की फिंगरप्रिंट से उस मोबाइल को अनलॉक कर देता है और नेडली से उसकी लोकेशन पूछता है और फिर मास्क मैन वहाँ से अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ता है। आगे हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड्स फेस्ट में बहुत एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ एक ट्रेल की राइड ले रहे हैं और नेडली भी उस ट्रेल राइड में हिस्सा लेती है। लेकिन कुछ दूर चलने पर उसकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुक जाती है जिससे उसे बहुत डर लगता है क्योंकि उसकी सारी फ्रेंड जो साथ में राइड ले रही थी वो सभी आगे निकल चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मास्क मैन आ जाता है जिसे देख नेडली बहुत ही बुरी तरह डर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर और भी मास्क मैन आ जाते हैं और नेडली को पता चलता है कि मास्क पहनना भी इस फेस्टिवल का हिस्सा ही है। अब वो सारे दोस्त अपने फेस्टिवल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं जहाँ वो अलग अलग जगह जाते हैं। अब यहाँ लड़के लोग ज्यादा डरावनी जगह को चूज करते हैं और एक डेड रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी बॉडीज नजर आती है जिन्हें देखकर वो डरने लगते हैं। और लड़कियाँ अपने लिए एक आसान सा रूम सेलेक्ट करती है जहाँ नेडली अपने दोस्तों से बिछड़ जाती है और वहाँ पर उसका सामना होता है उसी मास्क मैन से जो उसे देख रहा होता है। लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता क्योंकि वो रूम पूरी तरह से कांच का था जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता था। अब नेडली वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ असर नाम का उनका एक दोस्त जो बॉडी रूम में गया था वो अब पूरी तरीके से भटक जाता है क्योंकि एक ट्रेल आने के कारण क्वेन उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर भाग चुका था। अब असर का सामना उसी मास्क मैन से हो जाता है और वो मास्क मैन उसकी आंखों में पेचकश डाल देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। अब आगे हम उन सभी दोस्तों को देखते हैं जो बाहर आ चुके हैं और तभी वहाँ एक गोस्ट टाइप का बंदा आता है और नेडली के ऊपर उल्टी कर देता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद नेडली और ब्रुक दोनों वॉशरूम में जाती है जहाँ वो कुछ पुरानी यादों के बारे में बात कर रही है और फिर ब्रुक वहाँ से चली जाती है और नेडली अब वॉशरूम में अकेली ही थी जहाँ उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि मास्क मैन ही था। लेकिन किसी तरीके से नेडली उस मास्क मैन को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और अपने फ्रेंड्स को सारी बात बताती है, जिसके बाद उसके सारे दोस्त एक गार्ड को लेकर उस वॉशरूम में जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। लेकिन ब्रुक को तो वो फोटोज मिलते हैं जो मास्क मैन ले गया था। अब ब्रुक को भी यकीन हो जाता है कि वो मास्क मैन उन सभी को खत्म करना चाहता है और वो सारे दोस्तों को इस बारे में बताती है। लेकिन क्वेन कहता है कि उनका एक फ्रेंड असर अभी भी अंदर ही है और उसे यहाँ से लिए बिना वो कैसे जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि टेलर जो सब बातों से अनजान एक थीम गेम में पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें उसे एक कटर ब्लेड के नीचे सुलाया जाता है और कुछ लोग जो अजीब से मास्क पहने हुए हैं टेलर को ब्लेड से मारने वाले होते हैं। लेकिन नेडली ये सब कुछ समझ जाती है कि उसके दोस्त की जान असल में खतरे में है क्योंकि उसे वहाँ पर मास्क मैन नजर आ जाता है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ से जाती है। लेकिन कुछ गार्ड उसे वहाँ से नहीं जाने देते हैं और वो लोग टेलर को उस ब्लेड से काट देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी वो सही सलामत है, मतलब उन सभी लोगों ने उसके साथ प्रैंक किया था लेकिन वो मास्क मैन वहीं पर था जो असल में लोगों को मारा था। अब आगे हम देखते हैं कि वो मास्क मैन अब सच में टेलर को खत्म करने वाला था।
था और वो ब्लेड को नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी उस मशीन की चैन फंस जाती है और मौका देख टेलर वहाँ से अपने दोस्तों के पास भाग जाती है। लेकिन वो मास्क मैन वहीं आकर उसे चाकू से मार देता है और क्वेन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी मार देता है। ये देख वो सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। अब वो मास्क मैन ब्रूक और नेडली के पीछे पड़ जाता है और हमें कुछ देर बाद बताया जाता है कि उस मास्क मैन को पकड़ लिया गया है जो लोगों को मारा था, लेकिन वो असली मास्क मैन नहीं होता है। असली मास्क मैन तो नेडली और ब्रू के पीछे पड़ा हुआ था जो गेट की तरफ भाग रही थी और अब वो हेल रूम में जा चुकी है जहाँ उन्हें मास्क मैन भी मिल जाता है। लेकिन नेडली उसे किसी तरह घायल कर देती है और ब्रू को लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है। लेकिन वो अब एक पजल रूम में जाती है जहाँ उसे लेजर लाइट दिखती है और वो किसी तरह वहाँ पर मास्क लगे हुए डमी के पास जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर मास्क मैन आ जाता है जो उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन वे दोनों उसे कहीं पर नजर नहीं आती। इसी दौरान नेडली मौका पाकर रोड से उस पर अटैक कर देती है और उसे एक रूम में लेकर आती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि नेडली को छोड़कर ब्रूक अब अकेले ही जख्मी हालत में वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर लेजर लाइट पर पड़ जाता है जिससे मास्क मैन को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसी बीच उस मास्क मैन का पैर भी उस लेजर लाइट पर पड़ जाता है और नेडली भी वहाँ पर वापस आ जाती है और जिसके बाद नेडली मास्क मैन को चाकू से मार कर घायल कर देती है और फिर वे दोनों लड़कियाँ अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग जाती है। और अब समय रहते वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है लेकिन उन्हें अब मास्क मैन कहीं पर भी नहीं मिलता है। और अब हमें दूसरी तरफ उस मास्क मैन को दिखाया जाता है जो अपने घर पहुँच चुका है और बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। उसकी एक बेटी भी है और हमें पता चलता है कि वो मास्क मैन एक साधारण इंसान था जो आम लोगों के बीच ही रहता है और वो एक साइको था जो हर हेल फेस्ट पर टीनेज लड़कियों को खत्म करने जाता था। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। वीडियो चले गए तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका